एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर हेयर केयर वीडियो। अगर आप भी अपने बालों पे कलर करते हैं, फिर चाहे आप नेचुरल हेयर कलरिंग मेथड यूज़ करते हो जैसे हिना या इंडिगो, या आप केमिकल हेयर कलर्स लगाते हो, अगर आपको बालों में किसी भी तरह से बालों की ब्रेकेज, टूटना, झड़ना, रफनेस, ड्राइनेस फील होता है, तो आज एक बहुत ही सिंपल सा देसी सा नुस्खा लेकर आई हूँ। नारियल तेल में आपको सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है और इसको आप हफ्ते में 2-3 बार इजीली लगा सकते हो, और इसे आप रात को अपने बालों में लगाकर भी सो सकते हो। जब आपको अगले दिन शैम्पू करना है, एक रात पहले आप बालों में लगा लीजिए। सिंपल सी रेमेडी है, बहुत इजीली बना लेंगे झटपट से। तो चलिए देखते हैं। आप लीजिए एक स्टील की कटोरी और साथ में आपको लेना है नारियल तेल। मैं पैराशूट का नारियल तेल यूज़ करती हूँ और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबके घरों में इसी यही कोकोनट ऑयल आता होगा, लेकिन आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल हो आप यूज़ कर सकते हो। आपको लेना है, आपके बालों में एक बार में जितनी क्वांटिटी ऑयल की लग जाती है उतना ले लीजिए। उसके बाद एक तवे को गर्म कर लीजिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसको 30 सेकेंड के लिए हीट अप कर लो, नहीं तो सिंपल सा मेथड है, स्टील की कटोरी को डायरेक्टली गर्म तवे के ऊपर रख दीजिए और ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। इसके साथ चलिए अब हम अपना इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं रेडी। तो वो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, और यहां मैं प्रेफर करूंगी कि आप नेचुरल एलोवेरा लें। नेचुरल एलोवेरा में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें ये बात पता है कि हमने क्या चीज़ यूज़ की है। बाल बहुत झड़ रहे हैं, फ्रिजी हैं, टूट रहे हैं, ड्राई हैं, बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल बाल हैं, तो उसको ठीक करेगा एलोवेरा और कोकोनट का कॉम्बो। तो कोकोनट ऑयल जब गर्म हो रहा है तो हम एलोवेरा जेल को निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने एक लीफ में से एलोवेरा जेल इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, और इसको आप सिंपली चाहो तो हाथों से क्रश कर लो, नहीं तो आप चाहो तो आप थोड़ा सा इसको ब्लेंड भी कर सकते हो, तो ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, बस आपको सिंपल फटाफट से अपने बालों को कुछ रेमेडी चाहिए तो नारियल का तेल थोड़ा सा गर्म करो, एलोवेरा के एक लीफ लो, और उसके बाद उसका सारा जेल निकाल के उसको हाथों से थोड़ा क्रश कर लीजिए, और आप इसको अपने जो हमने तेल को हीटअप किया था उसमें डाल लो। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं उनको सॉफ्ट एंड स्मूथ करेगा, पतले बालों को थिकनेस देगा, क्योंकि बहुत ही जिनके पतले बाल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बार बार टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तब भी ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन काफी इफेक्टिव है। तो बस तेल तो ऑलरेडी गर्म है, अच्छे से मिक्स कीजिए, एलोवेरा जेल भी मिक्स हो जाएगा, और अगर आपको लगे कि मिक्स नहीं हो रहा है तो हल्का सा हीट अप और कर लो और ये बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। उसके बाद बस जब ये हल्का वार्म रह जाए ना, बहुत तेज गर्म गर्म आपको बालों में नहीं लगाना है, गर्म बिल्कुल स्कैल्प में नहीं लगाना, बट लेकिन जब हल्का सा वार्म रह जाए, बिल्कुल गुनगुना सा रह जाए, तब आप इसको अपने बालों पर मालिश कर लो। ज्यादा मसाज करने से भी अगर आपको लगता है कि हेयर फॉल होता है तो बस इसको जस्ट अप्लाई कर लो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हेयर फॉलिकल्स में जब हम अच्छे से मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि बाल हमारे कम टूटते झड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं पूरे बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेती हूं, सारी रूट्स को मैं कवर कर रही हूं। एलोवेरा की लीफ अगर आप एक लेते हैं तो उसके बाद ना जो आप उसका जेल निकाल देते हो तो बाकी की जो लीफ बच जाती है उस लीफ को आप अपने फेस पे रब कर लो, वो भी बहुत इफेक्टिव है। 10-15 मिनट छोड़ो, सिंपल अपने चेहरे को वॉश कर लो, तो एक एलोवेरा का लीफ जो है हमारे बालों के लिए भी इफेक्टिव हो जाएगा, स्किन के लिए भी बढ़िया है। और ये जो आज का रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही इफेक्टिव है, पतले बालों को मोटा करेगा, झड़ रहे बालों को ठीक करेगा, आपके बालों में किसी भी तरह से कलरिंग मेथड की वजह से नुकसान हो रहा है उसको ठीक करेगा। अच्छे से ये बालों में अप्लाई हो गया, उसके बाद इसको आपको रब करना है, मसाज करनी है, और थोड़ा आप फिंगर के पोर से मसाज करेंगे तो अच्छा रहता है। बालों को टाई अप कर लो और इसको इसी तरह से लगे रहने दो। रात को लगा के सोना चाहते हैं, अगले दिन शैम्पू करना है तब भी कर सकते हैं, नहीं तो शैम्पू से 1 घंटे पहले भी आप ये लगा सकते हैं। तो बस मैंने 1 घंटे के लिए रखा और फिर उसके बाद मैंने बालों को धो दिया। तो देखा आपने कितना सिंपल आसान सा रेमेडी था, लेकिन काफ़ी अच्छा है, इसको आप ट्राई कर सकते हो हफ्ते में 2-3 बार जितनी बार चाहें। इनफैक्ट आपके घर में बच्चे हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, आप उन्हें भी ये अप्लाई कर सकते हो, और इस तरह से
एलोवेरा के प्लांट्स को अपने घर में रखिए, एक दो तीन, एक एलोवेरा की बॉटल का जो कॉस्ट है ना उतने में आपका एक ही प्लांट आ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और ग्रो करता है। ये देखिए मैंने कितने लीव्स इसमें से कट कर लिए हैं, फिर ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं। मेरे पास दो दो प्लांट है और मैं सोच रही हूँ और दो तीन एलोवेरा के प्लांट्स ले लूँ, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ग्रीनरी भी रहती है और इफेक्टिव भी है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।